माई पॉइंट इज मनोज देखो इसमें एसीसी भी गलत है और ये यूनिलैटरल और ये जो बातें है ना वाकई गलत है। अल्टीमेटली क्या होगा, ये लड़ाइयां होंगी, प्लेयर चुपचाप बैठे अपने अपने होटलों में, अब हम और आप लड़ेंगे, पाकिस्तान से लड़ेंगे, तमाश भी नहीं होगी, मैच में थोड़ी और मिर्च लग जाएगी और जो टीम हारेगी उसका तवा थोड़ा ज्यादा लगेगा। बट ये तो हर चीज हर कोई गलत है इसमें। जब एक बार हाइब्रिड मॉडल हो गया था, इनको सबसे पहले भले वो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, भले वो श्रीलंका है, भले वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, दे शुड हैव बीन वन वन एज इन वन। भाई हम तो सुनते थे ना, जयशाह और जाकिर अशरफ की मीटिंग्स हो रही थी, उनकी तो बातचीत हो रही थी आपस में, तो जो गिले शिकवे थे सो मच सो कि उन्होंने बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को इनवाइट किया और वो जो दो हमारे गए हैं उनको लेने वो बॉर्डर तक आ गए। तो भाई आप बात करो ना, हम्बर्ट टोटा का भी निखिल ने बताया है कि इनिशियली पीसीबी खुश नहीं था, उन्होंने कहा जी आपने खुद ही फैसला ले लिया, बताया नहीं। भाई आप कमजोर क्यों? मैं तो ये कहता हूं अगर आप, मैं अगर पीसीबी होता ना और मुझे अगर लग रहा मेरी मांग नहीं और मेरे मुझे ये किया जा रहा है, मैं एशिया कप से पुल आउट ही करता। मैं अपने प्लेयर्स और शुड हैव एशिया कप मत कराते, मैं प्लेयर्स और मैं कहता हूं छोड़ देते एशिया कप, पॉडकास्टर को क्यों डिनाई करूं जो वो डिजर्व करते हैं। यार सोशल सर्विस कर रहा है क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बीसीसीआई? नहीं कर रहा है। सोशल सर्विस कोई नहीं करता है, सोशल सर्विस तो कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूं अगर इतनी लड़ाई इतनी मन में है दोनों के तो मत खेलते एशिया कप, अब छोड़ देते एशिया कप। क्रिकेटर्स की क्या भाई, जब एशिया कप हो रहा है बरसात होगी पले केले में, तो या तो दोनों बैठ के हम्बन टोटा कर देते, वहां पे भी आपके दोनों की नुक्ताचीनी। फिर मैंने सुना कि इंडियन प्लेयरों ने भी मना कर दिया, यार हम्बन टोटा कौन जाएगा, निखिल को जोड़ लीजिए, हम्बन टोटा कौन जाएगा सर? आई थिंक मतलब फिर आप कोलंबो में आ भी गए नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था वो कहता हमने एशिया कप नहीं खेलना, हम वर्ल्ड कप भी नहीं आ रहे, दे शुड हैव स्टक टू दैट। फिर वो लेके जाते इनको ब्रिंक तक, फिर करवाते ना। फिर जो पावर कैसे बदलती है, पावर कैसे बदलती है, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान मैच की वैल्यू, अब वर्ल्ड कप के मैच की वैल्यू भी आपको पता है, फिर आप में अगर था तो आप फिर खड़े रहते, तो सैंक्शंस नहीं लगते। बट आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि उन पे सैंक्शंस लगते, सैंक्शंस कैसे लगते? आप आईसीसी का एक टूर्नामेंट, आप भाई नजम सेठी साहब ने जो बोला बाद में माना कौन, जाकिर अशरफ साहब ने तो मान लिया, तो मैं ये कह रहा हूं फिर लड़ रहे थे, फिर लड़ते रहते ना, अभी तक लड़ रहे होते, अभी भी इंडिया में चल रहा होता पाकिस्तान आएगा कि नहीं आएगा, सैंक्शंस तब लगेंगे जब वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा। फिर वो कहते कि जी हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे, पोस्चरिंग करते जो इंडिया ने की थी 2007-08 में कि अगर हरभजन सिंह पे बैन नहीं हटाया हमारा जहाज तैयार है, चार्टर्ड फ्लाइट हमने तैयार की, हम वापस चले जाएंगे, नहीं खेलेंगे वर्ल्ड, क्रिकेट बोर्ड गिर गया आपके पैरों पर। इसमें आप भी एक बार कर लेते ना, मैं कह रहा हूं या तो देखो राहुल जो चल रहा है चलने दो, या अगर आप उड़ रहे हो ना तो फिर दम रखो कि आई हैव द दम इन माई विंग्स, मैं उड़ूंगा। इंडिया के प्लेयर्स ने भी क्यों रिजर्वेशन थी, वो क्यों हम्बन टोटा अग्री नहीं किया उन्होंने? भाई हम्बन टोटा तो इंटरनेशनल ग्राउंड है ही है, तो वहां पर आपको पिचेस मिलती, सब कुछ मिलता, तो ऐसी क्या वजह है? अच्छा मैंने सुना वहां पे बड़े अच्छे 5-स्टार रिजॉर्ट्स भी हैं, तो दिक्कत क्या है? लेकिन मैं भारतीय टीम की यहाँ पर आपको आलोचना करनी पड़ेगी, तो आपको ये लग्जरी या आपको जो फैसिलिटीज नहीं मिल रही या आपको रिक्रिएशन के लिए चीजें नहीं है, आपको क्या उसके बारे में सोचना चाहिए? मुझे याद आता है, आपको भी याद होगा, हम कितनी, ये कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा है, इस जनरेशन से पिछले जनरेशन में आप चले जाए, मैचेस होते थे करनैल सिंह में, मैचेस होते हैं, आप मुझे बताएं हम बन टोटो करनैल सिंह से बड़े बड़े प्लेयर वहां पे खेले, करनैल सिंह स्टेडियम में नाली में गए हैं, जो बहुत सचिन तेंदुलकर जाके मैच खेले थे तैयारी करने के लिए, आपको याद होगा। इन सब मैदानों में जब फैसिलिटीज नहीं है, 2-स्टार होटल भी नहीं है, गेस्ट हाउसेज, गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज में प्लेयरों ने रह के कोशिश करिए कि आप रिदम में आओ, क्रिकेट तो क्रिकेट है ना, आपको रिदम में आना है। फिर यहाँ इंडियन टीम की गलती है जो उन्होंने रिजर्वेशन जताई है, और आई थिंक इवन बीसीसीआई की गलती है, एसीसी की भी गलती है, जो भी है, फाइनल फैसला ले रहा था कि इस चीजों को मानना डाउन नहीं, भाई आपको यहाँ जाना है, आपको खेलना है, आपको कुछ मैचेस खेलने, बेस्ट चांस ऑफ प्लेइंग क्रिकेट वही है। अभी तक आपने बोला कि नहीं टीम वहां नहीं खेल रही वेस्ट इंडीज में, क्यों? हम मैच सिमुलेशन करना चाहते हैं, मैच सिमुलेशन तैयारी, मैच सिमुलेशन से क्या हुआ, शाहिन शाह ने बॉल डाली, मैच सिमुलेशन में नहीं हो पाया ना आपसे, आप आउट हो गए, तो आपको मैच ही खेलना पड़ेगा टू बी बेटर। मैच आप कैसे खेलोगे? आप चाहे हम बेंटो का क्या, आपको वो कहे टिम्बकटू चले जाए, आपको वहां जाना चाहिए। तो ये आलोचना भारतीय टीम की होनी चाहिए, तो उन्होंने भी रिजर्वेशन जताई, एंड आई थिंक बिगर क्रिटिसिज्म होना चाहिए ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने वो बात मानी। आपने के एशिया कप का स्केड्यूल बनाया, आपने कहा ऐसा ऐसा होगा, क्या आपको तब पता नहीं था कि बारिश हो सकती है? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बारिश होगी, ये तो खैर किसी को नहीं पता,
वर्ल्ड कप में नहीं पता था कि कब नवरात्रि है, कब दशहरा है, कब दिवाली है, तो आप यहाँ पर बारिश पूछ रहे हो। यही तो एशिया कप था एसीसी का, जिसका तो जुगाड़ लगा लोगों के हो गया। वर्ल्ड कप में नहीं पता थी चीज़ें, पर उनसे पाकिस्तान की साइड से भी था। फिर पाकिस्तान ने कहा भाई सेकंड लेग आप यूएई में कराए, वो भी डिसीजन ले लिया गया विदाउट पाकिस्तान को कंसल्ट करते। उनको बता दिया नहीं भाई सेकंड लेग यूएई में नहीं होगा, श्रीलंका में होगा, उसकी भी नाराजगी थी। फिर जब वॉश आउट हो गया भारत वाला और पाकिस्तान वाला मैच, जिसमें ये जिस भी मतलब चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो या फैंस हो या कई जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, उनसे मिलाओ, उन्हें 100% यकीन था वो मैच जीत गए। दे फील दे वर रॉब ऑफ अ विन। मुझे नहीं समझ आता वो कॉन्फिडेंस कहां से आता है। आई थिंक ये मैच हो गया, हमें चांस था इंडिया के खिलाफ जीतने का, तो हमने तो पहले ही कहा था कि आपको वहां करना ही नहीं चाहिए। हमने कहा था पाकिस्तान में करा, आपने नहीं सुनी। फिर हमने कहा था यूएई में करा, आपने नहीं सुनी। अब आप वहां करा रहे हो तो अब आप इसका खामियाजा भुगतें। फिर उन्होंने सेकेंड ऑफर दिया कि आप पाकिस्तान आ जाए, तब भी नहीं मिला, उसका भी एक मलाल था। तब जाके हम मनकोटा में आपने एक मीटिंग करी लोकल मेट डिपार्टमेंट के साथ, कॉन्वर्सेशन हुई, फोन पे बात हुई, श्रीलंका बोर्ड को इन्वॉल्व किया गया, इसको बता दिया है हम मनकोटा। पाकिस्तान इसको भी लेकर खुश नहीं था कि आप जब चेंज ऑफ वेन्यू करो उसमें भी आप कंसल्ट नहीं कर रहे हम मनकोटा में। अब बड़ा आसान है ये लिखना यार, हम तो मान गए थे हम मनकोटा में वहां जाने के लिए। अब आपने फर्क बस इतना हुआ कि अगर हम बनटोटा से कोलंबो वापस नहीं होता तो आप यही खबर सुन रहे होते कि पाकिस्तान नाखुश है कि आपने बिना पूछे उनसे हम बनटोटा में कर दिया है। फर्क अब आसान है पीसीबी के लिए पाकिस्तान के लिए ब्लेम करना कि भाई ये देखिए हम तो वहां तैयार थे, आप ही ने मना कर दिया वहां जाने से। गलती दोनों तरफ की है, वो बीसीसीआई की भी है, वो पीसीबी की भी है। दूध का धुला कोई नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट मतलब हमने नहीं सोचा था ये हालात इतनी होंगे। ज्यादा मतलब आपने खेल को छोड़ के आपने पॉलिटिक्स हाँ, बना दिया और यार एशिया कप को आपने मैंने तो यहां तक अगर आप देखें मेरी चैट, निखिल ने भी बोला कि इवन इंडियन प्लेयर्स नहीं जाना चाहते थे हम बनटोटा, तो ऐसा तो नहीं हमने कहा बहुत अच्छा किया यार देश के लिए मैं खड़ा हूं आपका काम। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान की तारीफ करते रहो तो वो कहते हैं वाह जी विक्रांत भाई आप जैसा कुछ नहीं। एक दिन मैंने ये कह दिया कि भाई आपकी भी गलती है तो मैं खराब हो गया। फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन थे, उन्होंने तीन चार दिन से उन्होंने शुरू किया। देन व्हाई डू यू हैव टू रिएक्ट टू व्हाट नजम सेठी इज सेइंग बिकॉज़ ही इज ऑलरेडी अ फॉर्मर पीसीबी चीफ। मैं अपनी ट्वीट की बात कर रहा हूं। नहीं कुछ मुझे लगा था। क्या लगा आपको? आपने कहा कि वहां से बातें आ रही थी। मैंने कहा दिन भर में चल रही थी। तो मैं बोलूं शुरू यहां से हुई थी बिकॉज़ नहीं मेरे ख्याल से शुरू वहां से। आपने ऑफिशियली एक कागज इशू किया था प्रेस। आई थिंक वहां से भी अगर फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन की एक स्टेटमेंट आई है, दो तीन दिन से चल रही है कि मैंने ये कहा था, वो हो सकता है उन्होंने ठीक बोला हो, बट जब वो पब्लिक डोमेन में आ, वो तो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी था तो वो भाई वहां पे चल रहा था। फिर आप एक बात बताइए, क्या आपके यहाँ पे ये पाकिस्तान में ये हैशटैग नहीं चल रहा था इंडिया इज अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान? हो सकता है चल रहा हो, तो मैंने नहीं देखा बट हाँ ये खबरें चल रही थी और हमने स्टोरी भी करी है। चल रहा था ना, कह रहा हूँ उधर से भी चल रहा था इधर से भी। मैंने किसी स्टेज पे ये नहीं कहा कि इंडिया सही है पाकिस्तान गलत है, या मैंने ये कहा पाकिस्तान सही है इंडिया गलत है, क्योंकि मैंने कहा दोनों गलत है। I have always maintained that two wrongs do not make a right. मैंने यहां तक कहा, मैंने कहा हमने तो सुना था यार ज़ाका अशरफ और जय शाह तो मिले भी हैं, उनकी तो मीटिंगें भी हुई हैं, मैंने तो यहां तक सुना। एंड ऑनेस्टली ज़ाका अशरफ साहब ने कोई ऐसा मेरिकल बयान नहीं दिया। हाँ उनकी एक ईमेल लीक हुई जिसपे उन्होंने आई थिंक कॉम्पनसेशन की बात की। मैं हूं मैं आईपीएल के एक मैच में 20 मिनट वहां पे भी मैच लेट शुरू हुआ था क्योंकि लाइटें नहीं थी। मैं भी इस बात को समझता हूं कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल जिस तरह डिले होता रहा, जिस तरह उसमें डिले ये चेंजेस होते रहे, जो टिकटिंग इतना बड़ा मतलब बवाल मचा हुआ था हिंदुस्तान में, कल चलो बीसीसीआई ने 4 लाख टिकटिंग की है, मैं तो उसको भी कहता हूं कि भाई ये क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये मैं आज बोल रहा हूं तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने पहले नहीं बोला। ऐश वहां पे विक्रांत भाई पहले बहुत अच्छे थे, आज विक्रांत भाई खराब हो गए।